सबसे पहला पाठ है देव स्तुति, ठीक है। आज हम देव स्तुति प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ क्यों करते हैं हम देव स्तुति, यानी भगवान के गुणों का अनुवाद। अब वो गुणों का अनुवाद चाहे हम गद्य रूप में करें या पद्य रूप में करें, ठीक है। अपने मन में भगवान के प्रति उनके गुणों का वखान करना है ना, तो देव स्तुति के माध्यम से करते हैं। जैसे जब वो पढ़ा था ना, देव दर्शन की विधि पढ़ी थी ना अपन ने, कि मंदिर में जाते नमस्कार मंत्र आदि पढ़ने के बाद परिक्रमा देते समय कोई भी देव स्तुति पढ़नी चाहिए। ज्ञान पान का उदय करो, मम मिथ्या दम को मिला, जीवो की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे सदा, परतन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, दोष सुधा नित पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, किसकी सेवा किया करे, दूर बतावे बुरी रीतियां, सुख दीति का करे प्रजा, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसाद, सुख दुख में हम समता धार, रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल, आश्रय कर्म जो दुख दे तू है, तिनके शय का करे उपार, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सभी टल जाए, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े सदा, विद्या की ओ उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा, हाथ जोड़ कर शीश नवा में, तुमको भविजन करे करे, यह सब पूरो आश हमारी, चरण शरण में आने पड़े। देखा कितनी बढ़िया विनती है। अब इसको अपन शॉर्ट में एक बार हिंदी अनुवाद करते चलते हैं, है ना। भावार्थ तो इसमें बहुत गहरा है, बहुत गहरा भावार्थ है इसमें, भावार्थ गहरा है। हाँ, तो अपन तो देव स्तुति का अर्थ करते चलते हैं ना। पहली लाइन है वीतराग सर्वक हितंकर, ठीक है। भविजन की या पूर्वास, तो पहली लाइन में उन्होंने बता दिया कि भगवान कैसे होते हैं, जिन भगवान की हम स्तुति करने आए हैं, जिन भगवान के हम दर्शन करने आए हैं, आखिर वो भगवान है कैसे। तो पहली आधी लाइन में उनकी बताई है कि वो कैसे है, वीतरागी, भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितंकर है। वीतरागी यानी बीत गया है राग जिनका, यानी जिन्होंने राग द्वेष का नाश कर लिया है, ऐसे हमारे भगवान वीतरागी हैं। ना किसी से उनको राग है, ना किसी से उनको द्वेष है, ऐसे वीतरागी भगवान है। दूसरे कैसे हैं भगवान, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा विशाल ज्ञान हमारे भगवान का है। और हितंकर, हितंकर का अर्थ क्या है, हित का उपदेश देने वाले हैं, हितंकर हित को करने वाले हैं, ऐसे हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो भगवान की महिमा गा दी। अब अपन यहाँ एक एक गुण का भी वर्णन करें ना, तो मतलब घंटों बीत जाए लेकिन उनके गुणों का वर्णन खत्म नहीं होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर समझ लिया। अब कहते हैं भविजन की अब पूर्वास, तो ऐसे भगवान भविजन यानी हम जो भव्य जीव है उनकी आशा पूरी करो, पूरो आस, उनकी आशा पूरी करो। कौन सी आशा, यहाँ तो कहते हैं कि अपने भगवान से हम कुछ मांगते ही नहीं है, ज्ञान का और यहाँ हाँ, और यहाँ कह रहे हैं आस पूरी करो। तो ये बातों में अंतर लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है ना। लेकिन नीचे की लाइन में क्या लिखा है, कौन सी आशा पूरी करो, ज्ञान भाव का उदय करो, मम मिथ्या तम का विनाश। तो मेरे ज्ञान रूपी भानु यानी सूर्य का उदय हो जाए, यानी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, और क्या हो, मम मिथ्यात्म, मेरे मिथ्यात्व का विनाश हो जाए।
यहाँ पर ऐसी भावना भाने भगवान के सामने खड़े होकर यहाँ पर ये नहीं मांग रहे भगवान से कि मुझे शादी जल्दी हो जाए, मेरे पास रुपये आ जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ऐसी कोई भावना, सांसारिक कोई भावना यहाँ पर नहीं भाई गई है। भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है। क्या मांगा है भक्त ने? अपनी भावना भगवान के सामने रखी है कि हे मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो मेरे मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश हो जाए और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाए, प्रकट हो जाए। भानु मतलब सूर्य, ठीक है। और क्या भावना भा रहा है जी? अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, भावना क्या भा रहा है? जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहे कदा। इन नीचे की दो लाइनों में पांच पाप के त्याग की भावना भा रहा है जी। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति करना चाह रहा है, विषय भोगों की प्राप्ति नहीं है, पांच पाप के त्याग की भावना है। जीवों की हम करुणा पालें, तो पहला पाप हिंसा, उसका त्याग कर दिया, यानी अहिंसा अहिंसा व्रत का पालन करूं, यानी कि अणुव्रत पालन करूं, महाव्रत धारण करूं। जीवों की हम करुणा पालें, यानी कि हम जितने भी षट काय के जीव हैं उन सबकी करुणा पालें, मेरे निमित्त से किसी भी जीव का घात ना हो, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, और ना कृत से, ना कार्य से, ना अनुमोदना से, ठीक है। और क्या भी करो, झूठ वचन नहीं कहे कदा, वो कभी भी झूठ वचन असत्य व्यवहार नहीं करो। तीसरी लाइन में है, परधन कबहू ना हरहू, आप करो चोरी नहीं करूंगा, परधन यानी कि दूसरे का धन नहीं चाहूं, कबहू ना हरहू स्वामी, कभी हरण नहीं करूं, यानी कि मैं कभी भी चोरी का भाव भी मेरे मन में नहीं आवे। और क्या हो? ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, और ब्रह्मचर्य व्रत की सदा भावना भाता हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, अब एक इसमें पांचवा पाप बाकी है, अभी पांचवा पाप आ रहा है, तृष्णा लोभ ना बढ़े हमारा, तृष्णा लोभ हमारा नहीं बढ़े, इट मीन्स यहाँ पर परिग्रह की परिग्रह भी नहीं चाहिए तो क्या करूंगा फिर मैं? तोष यानी संतोष रूपी रथ का पान करूं, यानी कि समता भाव को धारण करूं। देखो अपन स्तुतियां पढ़ते हैं ना, और बस वो धुन में जो बचपन से याद की ना, उसी धुन में पढ़ते चक्कर काटते और निकल जाते हैं। अगर एक एक शब्द भी अपन एक लाइन पर भी विचार करे ना, तो कितना स्वाध्याय अपना यही हो जाए, चिंतन यही हो जाए, ध्यान यही हो जाए अपना। क्षमता रूपी रस का पान करूं, यानी इस पर तो कितना ही अपन चिंतन कर लो कम ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में कैसा भी उदय आ जाए, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, हर उदय में हमें क्या रखना है? समता भाव रखना है। अगर पाप के उदय में समता भाव नहीं रखा तो आर्त रौद्र ध्यान होगा, बुरे परिणाम होंगे, कषाय तीव्र होगी, तो और नीच गति का बंद होगा, नरकायु और निगोद का बंद होगा। और अगर पुण्य के उदय में समता नहीं रखी, मान लो खूब पुण्य का उदय आ गया, खूब पैसा है, खूब समाज में मान बढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां समता नहीं रखी तो क्या हो जाएगा? मान कसाई आ जाएगी तुरंत ही, घमंड आ जाएगा, दूसरे को नीचा समझेंगे और कमी पैसा कमाने की होड़ लग जाएगी। तो वहां भी समता रखना जरूरी है। अरे तो पुण्य का उदय है, कभी पाप का उदय, पुण्य का उदय, तो चक्र चले गए, जो जो जीव ने जो परिणाम बांधे वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे, और कर्मों के अनुसार प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां भी समता रखना है, जिससे कि हमारी कषायें पोषित नहीं हो। कषाय पोषित नहीं करना है हमें यहाँ पर, मान कषाय नहीं बढ़ाना है हमें, क्रोध कषाय नहीं बढ़ाना है। इसलिए हर पाप के उदय में और पुण्य के उदय में समता दोनों में ही धारण करनी है, ठीक है। फिर क्या है नीचे की लाइन, सृजन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा हमारा जैन धर्म है, बहुत प्यारा है। प्यारा क्यों है? ये हमें भगवान बनने का मार्ग बताता है, इसी
ऐसे ही यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, संतोष तो सुदान पिया करे। सृजन धर्म हमारा प्यारा, कि जैन धर्म हमारा इसलिए प्यारा है क्योंकि वह हमें भगवान बनने का मार्ग बताता है, भगवान बनने का मार्ग बताता है। कभी भी वो दास या भक्त बनने का मार्ग नहीं बताता। अगर और धर्मों की बात करें तो वहां पर कहते हैं भक्त बनो, रामचंद्र जी के भक्त बनो, हनुमान जी के भक्त बनो, कृष्ण जी के भक्त बनो, मीराबाई भी भक्त थी, राधा भी भक्त थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई भक्त नहीं होता है, हमारे यहाँ सब भगवान आत्मा होते हैं। मतलब इस अवस्था में कह दिया कि भगवान के समान गुण है आपके अंदर, वो लोग कितनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह, कितना बड़ा कलेजा चाहिए, तीर्थंकर ही कह सकते हैं बात। परमात्मा ने ही परमात्मा बनने का रास्ता बताया है, इसलिए हमारा जैन धर्म प्यारा है, इसलिए तिसकी सेवा नित किया करें, इसलिए उसकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। सेवा करने का अर्थ थोड़ा सा पांव दबाओ, धर्म का है जिसके पांव दबाए हम, है ना। सेवा करने का अर्थ है जो नियम, जो आचरण, जो उपदेश जैन भगवान ने दिया है उसके पालन करें, जिन आज्ञा का पालन करो, जिन आज्ञा का पालन करना में सब कुछ आ जाएगा। उसमें स्वाध्याय भी आ जाएगा, पूजा भी आ जाएगी, गुरु गुरु उपासना भी आ जाएगी, दान आ जाएगा और मुनि धर्म आ जाएगा, श्रावक धर्म, सब कुछ उसमें आ जाएगा जिन आज्ञा का पालन करने में, ठीक है। अगर हम इतने ऊंचे लेवल पर भी मुनि धर्म आदि का अंगीकार नहीं कर सकते तो भी जो भी हमारी अवस्था है, जो भूमिका है, उसके अनुरूप भी हमें आचरण के द्वारा, देखो मंदिर में जाके पूजा करना करना ही चाहिए, वो तो सट आवश्यक है, हमारे कर्तव्य है, कि इन मंदिर के बाहर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी होनी चाहिए कि लोग दूर से देख के बोल दें कि जैन साहब आ रहे हैं, है ना। और लोग अपने आप कहेंगे यार नम्रता तो जैनियों में ही होती है, विनय तो जैनियों से ही सीखो, है ना। इतना खर्च करते फिर भी दान अहंकार नहीं आता, इतना दान करने के बाद भी करुणा हो तो जैनियों जैसी हो कि चींटी को भी नहीं मारते हैं। सही बात है, ये अपने आचरण से होती है प्रभावना, है ना। अपना व्यवहार जो होता है ना, तो अपने व्यवहार से लोग समझ जाते हैं कि ऐसी करुणा, ऐसी पवित्रता तो जैनियों में ही होती है। ये है सच्ची सेवा जैन धर्म की, इसे कहते हैं सच्ची सेवा। और इस सेवा को करने में हम जितना कर सके उतना करना चाहिए, इसे प्रभाव ना होंगे सम्यक दर्शन का। इसलिए पहले कह दिया संकल्प में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तभी हम सच्ची प्रभावना कर पाएंगे, भावना कर पाएंगे, सही बात। अदरवाइज पे सब दिखावा कहलाएगा, छलावा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, दूर भगावे बुरी रीतियां, प्रचार, यानी कि जितनी भी बुरी रीतियां हैं किसके अंदर, समाज में, अपने अंदर। हाँ, जितनी भी बुरी रीतियां, मतलब जितने भी बुरे कसाए हैं, जो भी परिणाम है, जो भी गंदा, जो सबको दूर भगाएं, सुखद रीति का करें प्रचार। अब प्रचार किसका करना है, जो अच्छी रीति है। अच्छी रीति क्या है, सभी का कल्याण करे, सभी का सभी को शांति प्रदान करे, वो मार्ग अच्छी रीति कहलाता है, है ना। जैसे भगवान वो होते ना, साधु परमेष्टि की परिभाषा में पढ़ा था ना, जो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, है ना। तो जो हित मित प्रिय लोक के कल्याणकारी वचन बोलते हैं, तीर्थंकरों की वाणी तीन लोक के जीवों के कल्याण के लिए खिड़ती है, उसे कहते हैं सुखद रीत का करें प्रचार, है ना। चलो वो तो परमार्थ से बात हो गई, अगर हम अपने व्यवहारिक लोक जीवन से भी देखें तो भी हमें अच्छे आचरण, अच्छी रीति, अच्छे उनका ही प्रचार करना चाहिए। प्रचार मतलब अच्छा ही अपना, सिर्फ सुबह अच्छी रीति क्या, परिवार में अच्छी रीति क्या है चलाना, सुबह उठो नहा धो के मंदिर जाओ, ये रीति चल गई ना अच्छी, ये तो सुखद रीति है। सुखद रीति क्यों है, क्योंकि जब भगवान बच्चा मंदिर जाएगा तो धर्म से जुड़ेगा, संस्कार सीखेगा, आगे अपने कल्याण में आगे आगे बढ़ता जाएगा। अच्छी रीति हो गई ना, परंपरा से कहते हैं, है ना। और एक दूसरी होती है कि साहब उठो 9 बजे उठो और मंदिर भी नहीं जाओ और खाओ पहले, तो अच्छी रीति थोड़ी है। अच्छी यानी कि जैन आगम के अनुसार आचरण को पालन करना और उसी को अपने जीवन में अपनाना, अपने परिवार में अपनाना, वही अच्छी रीति है।
ठीक है, उसी का हमें प्रचार प्रसार करना है। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करें प्रसार, और आपस में मेल मिलाप को बढ़ावे, ठीक है, और धर्म उन्नति का करें प्रचार, और धर्म की उन्नति का प्रचार करें, ऐसा हमारा मेल मिलाप का आधार होना चाहिए। मेल मिलाप बोला कि किटी पार्टी कर ली तो मेल मिलाप हो गया, क्यों, स्तुति में तो लिखा है मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। अब यहाँ पर असली मेल मिलाप ये है कि जब हम धर्म सभाएं करते हैं ना, जैसे अभी अपन लोग मिले हैं, तो अपन असली मेल मिलाप कर रहे हैं कि जहाँ पर आत्म कल्याण की बात हो वो असली मेल मिलाप है। चाहे वो आप एकांत में करो, चाहे दो लोग मिलके करो, चाहे दस लोग मिलके करो, चाहे हजार लोग मिलके करो, पंच कल्याण आदि कर, जहां भी करो, मतलब जहां पर आत्म कल्याण की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, वही सच्चा मेल मिलाप है, ठीक है। और धर्म, और उससे क्या होगा, धर्म का भी प्रचार होगा, धर्म की भी उन्नति होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, सुख दुख में हम समता धारे रहे, अचल जी सदा अटल, वही आ गया ना ऊपर था, तोष सुधानत पिया करे, यहाँ पे आ गया सुख दुख में हम समता धारे, यानी सुख और दुख पाप को धारण करनी चाहिए, रहे अचल जिमी सदा अटल, और ऐसे अपने इस काम में ऐसे अचल रहना चाहिए, जैसे अटल रहना चाहिए, जैसे कि अचल यानी जैसे कि पर्वत अचल होते हैं, कभी हिलते नहीं है, कितने ही तूफान आ जाए, भूकंप भी आ जाए, तो पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता है ना, बाढ़ आ जाए पर्वत नहीं हिलेगा, छोटे मोटे पेड़ तरह से फटते चले जाएंगे। तो उदाहरण क्यों दिया, पर्वत की तरह हमें अटल रहना है, किसमें, समता भाव को धारण करने में, कि कितने बड़े बड़े तूफान आ जाए, कौन से तूफान, पाप के उदय के कितने ही तूफान आ जाए, समाज में अपमान हो जाए, धन नाश हो जाए, पिता पुत्र पत्नी आदि का नाश हो जाए, तो भी कैसे भी करके हमारे परिणाम विचलित नहीं होने चाहिए, आकुल परिणाम नहीं होने चाहिए, उसे बोलते हैं पर्वत के समान हमें अटल रहकर समता रूपी का पान करना है, ठीक है। और न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, अब यहाँ पर देखो धीरे 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 अपने अब उसमें आ रहे हैं लोक व्यवहार में, क्या है, न्याय मार्ग का लेश न त्यागे कि हे प्रभु आपकी भक्ति करते हुए प्रतिदिन देव दर्शन करते हुए मैं नित्य ही भावना भाता हूँ कि कभी भी मैं न्याय मार्ग का त्याग नहीं करूं या अन्याय मार्ग पर नहीं जाऊं, या फिर कहीं भी पूरी स्तुति में कहीं भी सांसारिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा नहीं की गई है, सिर्फ सिर्फ धर्म की उन्नति हो और हमारी आत्मा की उन्नति हो उसकी चर्चा की गई है। वृद्धि करे निज आत्मबल और न्याय मार्ग, और न्याय मार्ग पर चलते हुए हमेशा निरंतर अपने आत्मा की वृद्धि करना है, मतलब आत्मबल लिखा, वृद्धि करे निज आत्मबल, अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ होते हुए आगे ही बढ़ते चले जाना है। अष्ट कर्म जो दुख, और उसके बाद क्या करना है, इतना सब भगवान से कि पांच पापों का त्याग करूं मैं, चार कषायों का त्याग करूं मैं, है ना, फिर क्या करूं, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करूं उपाय, कर्म जो दुख के कारण है उनके क्षय का उपाय करें, मतलब क्या कि अष्ट मूल गुणों का पालन करें, षट आवश्यक का पालन करें, धार्मिक क्रियाओं में लगें, बारह व्रतों को धारण करें, और अंत में महाव्रत भी धारण करके, मुनि व्रत धारण करके अपने सब समस्त संसार का नाश करें, तिनके कर उपाय। फिर क्या, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए, और हे प्रभु दिन रात आपका नाम का चिंतन करते हुए विघ्न रोग शोक सब ही टल जाए, यानी विघ्न बाधाएं और शोक सभी दूर हो जाए मुझसे, आत्म शुद्ध हमारा हो गए। अब आप कह रहे हैं अब क्या हो, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, यानी कि पाप मैल नहीं चढ़े कदा, और कभी भी पाप रूपी मैल हमारे ऊपर नहीं चढ़े, मैं कभी भी पापों को नहीं करूं, पांच पाप को मैं सर्वथा त्याग दूं, ठीक है। और क्या हो, विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बड़े सदा, विद्या की उन्नति हो हम में, यानी सद ज्ञान की उन्नति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और धर्म ज्ञान हो बड़े सदा, यानी कि धर्म ध्यान ही बढ़ता जाए, यानी कि मैं आगे आगे बढ़ूं और उत्कृष्ट तक पहुंच जाऊं कि जहां मुझे धर्म ध्यान भी प्रकट हो जाए, ठीक है। धर्म ज्ञान हूं बड़े सदा,
दो तरह से लेना है इसको, एक तो लौकिक में भी धर्म ज्ञान की वृद्धि हो और इसके द्वारा इसके माध्यम से अपने आत्मा में लीन होते धर्म ध्यान की भी प्राप्ति हो, ठीक है, धर्म ज्ञान और धर्म ध्यान की दोनों की प्राप्ति हो। हाथ जोड़कर शीश नवावे तुमको भवजन खड़े खड़े, हे प्रभु हे परमात्मा हे चिरंदेव, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ खड़े खड़े। यहाँ पे कह रहे खड़े खड़े, यह सब पूर्व आस हमारी चरण शरण में आन पड़े, इन सब हमारी आशाओं को पूर्ण करो, इसीलिए हम आपकी चरणों की शरण में आए हैं। क्या कह रहे हैं, आन पड़े यानी चरणों में अष्टांग नमस्कार हो गए, यानी कि लोट ही गए चरणों में, है ना। प्रधानमंत्री आ जाए और सबके मनों की कामना पूरी होगी तो भागे भागे जाएंगे, लौट ही जाएंगे चरणों में, बस तो इच्छा पूरी कर ही दो। ऐसे ही यहाँ भगवान के चरणों में जाके अष्टांग नमस्कार लेट गए हम भक्ति भाव से कि प्रभु अब आपकी शरण में आ गए तो हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी कर दो, अब तो हमें संसार सागर से पार होना ही होना है। इस पूरी देव स्तुति में कहीं भी एक शब्द हमें संसार की प्राप्ति हो मिला, कहीं भी नहीं, कहीं ना जहाँ भी है अपने अंतरंग के मैल को साफ करने का भाव है और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का उपाय है। तो ऐसे ही भगवान के सामने हमें वैसी कभी कोई आकांक्षाएं मनोकामनाएं लेकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों मांगता, कौन है, कौन मांगता है बताओ, भिखारी मांगता है। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अरे भिखारी तो बहुत दूर की बात है, भक्त भी नहीं बनना, सीधा भगवान बनना है, भगवान बनेंगे। तो भगवान के सामने जाके भिखारी नहीं बनना, भगवान तो उदार कह रहे हैं कि आओ तुम तो भगवान बनो, हमारे पास बैठो, तुम्हारा भी चढ़ेगा कल। सही बात, उत्कृष्ट मार्ग भगवान बता रहे, तुम जबरदस्ती भिखारी बने जाके, वो तो कह रहे भगवान बनो, तीन लोग तुम्हारी पूजा करेगा, और हम जाके क्या कह रहे हैं कि भगवान ऐसा कर दो कि पति हमारी बात मानने लगे। सनातन पुरानी आदत हो गई उसको। ये अंकल सही बोले, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादि काल से लगा हुआ है जो हमारे साथ, है ना, आदत पड़ गई मांगने की, भिखारी बन गए ना तो आदत तो पड़ी मांगने की, वो भाई साहब उदाहरण देते हैं, सुमत भाई साहब एक भिखारी है, एक भिखारी था, है ना, तो उसको उसको पता नहीं था, एक उसको रास्ते में एक सेठ जी मिल गए, वो उसके पिताजी के दोस्त थे, तो उन्हें कह रहे बेटा तुम भीख मांग रहे, बोले हाँ, क्योंकि कुछ खाने को ही नहीं घर में, बोले अरे तुम तो करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम तो तुम भीख क्यों मांग रहे, तो वो माने ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं वो बच्चा। फिर वो उसके घर में आंगन खोदा तो उसमें बहुत सोना चांदी निकला। हाँ, मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना था ये प्रवचन, क्यों आदत तो पड़ी थी, अगले दिन उठा के कटोरा फिर भी मांगने चला गया। खजाना है, हम भगवान बन सकते हैं और फिर भी भीख मांगने की आदत है, भगवान घर में शांति शांति प्रदान करेंगे, इसीलिए तो हम भी ऐसे ही उसमें पड़े हुए। और क्या, हम अनादि निधन शुद्ध आत्मा को भूलकर इस चक्कर में पड़ गए कि ये पत्नी कहना मान ले या और बच्चे कहना मान ले या हमको सुख शांति मिल जाए, जबकि उसके निधान है अपन, मिलने वाला तो एक खजाना है और इच्छा का नाम कंकर पत्थर की, सही बात है, समझदारी खजाना मिल रहा है उसको लेने में और कंकर पत्थर लेने में, अटल विश्वास नहीं है ना, खजाना चाहिए विश्वास तो हो, विश्वास कब होगा, पहली लाइन में आंसर था सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो ही विश्वास होगा कि हमें खजाना मिलने वाला है, ठीक है। हाँ।